में रहोगी। आज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल, व्यास मेंशन की इन सभी महिलाओं के पति का दिमाग थोड़ा सा बौरा गया है। ये बिल्कुल पागल हो गए हैं और हरकतें तो देखो, ये अपने पत्नियों को ही मारने पर उतालू हो गए हैं। मौका था पूजा और नरेन की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, लेकिन जैसे ही इस खुशी के माहौल में ये खूबसूरत सा केक काटा गया, उसके बाद न जाने अचानक से हवाओं में क्या पागलपन छा गया कि ये सारे मर्द बेकाबू हो गए और अपनी पत्नियों के पीछे पड़ गए। कोई आइडिया नहीं है एंड यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एनिवर्सरी स्पेशल चल रहा था, लोग केक काट रहे हैं, शायरियाँ कर रहे हैं और अचानक से पता नहीं इन सारे मर्दों के लाइक क्या हो गया इन सबको एंड दे ऑल स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड, अपने अपने बीवियों को मारना चाह रहे हैं एंड सब लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो वहाँ काफ़ी क्योस हो गया था यहाँ पे और उतने में घर मम्मी का कॉल आता कि डैडी भी कुछ अजीब से बिहेव करे, तो मैं यहाँ से निकल दूँ, पता नहीं आगे क्या हो रहा है। नरेन और पूजा दोनों के लिए ये अलबेली पागलपंती वाली टोली को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन ये पागलपन नरेन और पूजा के संग संग पूरे घर वालों को बहुत ही हंसा रहा था और इस सीक्वेंस को करने में नरेन और पूजा के साथ सबको खूब मजा आया। But definitely it's really fishy because सारे के सारे एक के बाद एक ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो हाँ मतलब काफी मुश्किल था एक्चुअली शूट करना बिकॉज हमें इतनी हंसी आ रही थी, सो इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट की वो उसे सीरियसली सब करने थे। हमें लग रहा है कि हम कोई प्रियदर्शन फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, मतलब पागलपन हो गए यहाँ पे। और नरेन पूजा जो बेचारे सब नॉर्मल है हम सबके बीच में, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम 6-7 लोग एकदम पागल हो गए। तो ऐसा लग रहा है एक नॉर्मल सेलिब्रेशन शुरू हुआ था धूमधाम से और वो एक पागलपन के सेट पे कन्वर्ट हो गया। खैर, आप लोगों को ऑफ स्क्रीन तो मजा आया, लेकिन ऑन स्क्रीन की अगर बात करें तो ये पागलपंती और ये सारा तमाशा कहीं बेला के वजह से तो नहीं हो रहा, क्योंकि आए दिन बेला अपने काले जादू का इस्तेमाल कर व्यास मेंशन में कुछ ना कुछ हड़कंप मचा ही देती है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।